हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि घर में पड़े सिल्वर या पीतल के बर्तनों को पिघलाकर किस तरह से एक चमचमाती हुई बहुत ही खूबसूरत सोने और चांदी की भांति दिखने वाली स्कॉप्चर यानी मूर्ति किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, इसका तरीका बिल्कुल आसान है। मेरा नाम है गौतम सिंह और आप देख रहे हैं GP स्मार्ट वीडियोस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, यह एक पीतल का बर्तन है। इसे आग में अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसे हथौड़े से इस तरह तोड़ते हैं, अच्छी तरह तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसे आग में इस तरह से गर्म करके पिघलाते हैं ताकि यह द्रव बन सके। पिघलाने के बाद इसे इस मूर्ति के पिछले वाले हिस्से में अच्छी तरह से मिट्टी डालते हैं। अच्छी तरह मिट्टी डालकर इसे हाथों से हल्का पुश करते हैं। अच्छी तरह पुश करने के बाद इसे इस लकड़ी के बने फ्रेम में अच्छी तरह से रख देते हैं और एक लकड़ी के सहारे इसे हल्का हीट करते हैं ताकि फ्रेम अच्छी तरह से बन सके। उसके बाद इस फ्रेम को लगा देते हैं। उसके बाद इस पर मिट्टी डालते हैं, अच्छी तरह से मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद इसे हथौड़े से हीट करते हैं, जोर से हीट करते हैं, अच्छी तरह से इसे हथौड़े से हीट करते हैं। उसके बाद फिर से इसे ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद इसे अच्छी तरह से उस मूर्ति को उठा लिया। अब देखिए, ये ढांचा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी के सहारे हमारा मूर्ति तैयार होगा। देखिए, दूसरे ढांचे को भी अच्छी तरह से उठा लिया और इसे भी बिल्कुल केयरफुल, ये भी ढांचा तैयार हो गया इस तरह से। अब जहाँ जहाँ क्रेक है उसे रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमारा मूर्ति बिल्कुल ही सुंदर और बिल्कुल ही सॉलिड तैयार हो सके। और फिर से इसे अच्छी तरह से बॉक्स को लॉक कर देते हैं। ये देखिए, वो टूटा हुआ बर्तन पिघलकर द्रव बन चुका है। अब इसे अच्छी तरह से पकड़कर इस बनाए हुए इस छेद में इसे डालते हैं। इसमें भी देखिए, अच्छी तरह से इसे डालने के बाद, बराबर डालने के बाद अब उस देर वेट कर लेते हैं। देखिए किस तरह से ये खोल रही है। चेक करते हैं तैयार हुआ या नहीं। अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब लगता है हमारा मूर्ति तैयार हो चुका है। और चलिए चेक, हाँ ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप देख पाएंगे कैसी मूर्ति बनी है। ये टन टन, वाह क्या मूर्ति बनी है, गजब, वाह। इसके सामने तो चांदी की भी मूर्ति फैल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।